आपकी डिस्कशन का पॉइंट है, कोई आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इट इज आई वुड से अनडाउटेड फैक्ट कि आपकी पैटर्नेज में और ये जो एक टीम हम बन गए हैं और इंशाल्लाह मजीद इसमें कुछ लोग ऐड होते जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी थिंक टैंक और एक टीम जिसमें यकीनन कैपेसिटी है स्टार्टिंग फ्रॉम द पेपर वर्क अंटिल द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स विच वी मे सेट। अब इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है सर कि हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जब हम इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई एफर्ट्स करते हैं, तो उनका जो एंड रिजल्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोई टेंजिबल नहीं रहता, कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकलता उसका। फॉर एग्जाम्पल जिसमें गुलाम सरवर साहब ने एक सजेशन दी, उन्होंने कुछ एक्शन प्लान बताया एक काइंड ऑफ कि हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर। तो उसमें अगर हम कोई एक कोई प्रपोजल बनाते हैं लेट्स सपोज डिजिटलाइजेशन का या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, तो उसमें हमें आई थिंक के आपके तवस्सुत से आई मीन वी ऑल आर ऑनर्ड और आई वुड से ग्रेटफुल कि आपकी हमें पैटर्नेज या आपकी जिसे कहते हैं सरबराही अगर हमें इस फोरम को मिली है, तो अगर हम जो अरबाब इख्तियार हैं जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनसे अगर हम पहले काइंड ऑफ गो अहेड ले लें या एक काइंड ऑफ एक अपने आप को असाइन करवा लें काम कि दिस इज़ वट वी आर वर्किंग ऑन एंड दिस इज़ वट वी आर एक्सपेक्टेड टू कम अप विद, ताकि अगर कोई चीज़ बन जाती है, कोई डॉक्यूमेंट बन जाता है, कोई इस तरह की हमारा एक आई वुड से सेट ऑफ गोल्स बन जाते हैं, तो वो फिर ये ना हो कि वो कहीं रद्दी की टोकरी में पड़ी हो, मतलब उसकी जो एफिकेसी है या जो उसका आई वुड से यूटिलाइजेशन है जो इवन आगे कहीं तक भी जहाँ भी उसको ऐवानों में पहुँचाना है, तो वो सर उसके लिए एक चैलेंज होना चाहिए। Me, myself, my team, which we are already working, हम कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, हम कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जी, ऑलरेडी वी आर वर्किंग फॉर द लास्ट वन एंड हाफ ईयर। ये मेरे पास पूरी अभी तक ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा सब लोगों से कि आज तक जो मैं ये खड़े होकर आपको वो वीडियो भी ज़रूर पार्लियामेंट की भिजवाऊँगा जिसमें मैंने कहा था कि एक सरकारी और अमीरों का डिजिटल पाकिस्तान है जिसका मकसद कुछ और है, और एक महबूबों का, गरीबों का, आम लोगों का डिजिटल पाकिस्तान है, यानी वो भी डिजिटल पाकिस्तान है जिसके अंदर आम लोगों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा वही है। वही तो मैंने कहा कि हम उसको नहीं देख रहे, हम अपने को देख रहे। आज तक जो कर सकते थे ना जी वो सब कुछ इसके अंदर है। विल सेंड यू अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट ताकि आपको पता लग जाए कि डिजिटल पाकिस्तान ने अब तक क्या किया। वो मेरे इंडिविजुअल के उसमें थी, हमने पार्लियामेंट का जो सेशन था सबसे पहले वो देखा जी, उसके बाद फिर हम चलते चलते हमने B2B पोर्टल बनाने का कहा हुआ है जी, वो बन चुका है हमारा और किसी वक्त में भी वो हम लेकर आएंगे। दैट इज बिजनेस को प्रमोशन के लिए, ताकि जो चाहे जहां से विदाउट पेइंग एनीथिंग उस पर आ जाए, उन चीज़ों को पोस्ट करे। वो एक इंटरनेशनल लेवल का पोर्टल तकरीबन बन चुका है। वीवर इन अमूड के किसी से उसका इफ्तिताह कराएं, लेकिन नहीं होगा तो खुद ही उसको चला देंगे। आगे चलते हुए मैंने ये जी डिजिटल सेनेटर शो इसीलिए शुरू किया था जो स्ट्रीम यार्ड पर है, जिस पर मैंने आज रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से भी, आपसे भी जी बिल्कुल, कि आप आएँ और उस पर आकर बताएं अपने, उसको लोग देखेंगे, सारा कुछ होगा, पता लगेगा कि हमारे कितने लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह हमने दिए डिजिटल पार्लियामेंटेरियन समिट कराई 14 अगस्त, वो क्या कि हमने डिजिटल पाकिस्तान ने पार्लियामेंटेरियन समिट कराई कि जिसमें पार्लियामेंट के लोग आए, हमारे वो चीफ मिनिस्टर्स थे, ये भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसमें मकसद क्या था कि वो 14 अगस्त पे बाकी सब लोग झंडियां लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि जी इन पार्लियामेंटेरियंस को लेकर आए जिनको ये पता लगे कि डिजिटलाइजेशन की वैल्यू क्या है। अच्छा, ये मैं प्रैक्टिकली जो चीजें हो चुकी है। इसी तरह हमने वुमेन समिट कराई कि जी हम अपनी वुमेन को चूंकि एम्पावर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की समिट कराई के, और उसमें बहुत से 24 मुल्कों से लोगों ने उसके अंदर और काफी सारी इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं। हमने एक डिजिटल हब बनाया कि जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स बच्चे जो आते हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि आपने एंकर बनना है तो कैसे बनना है, और बाकी और छोटी छोटी चीजें ये सामने। हाँ, एक और चीज थी, देखिये हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है खासतौर पर इसमें कोविड के दिनों में,
कि मकसद क्या था कि हम दूसरे लोगों को इस तरफ लेकर आए, आम लोगों को भी। तो हमने एक डिजिटल ईद, ये ईद के रंग अपना डिजिटल सेनेटर के संग, ये हमने एक प्रोग्राम किया और लोग बंद नहीं करने दे रहे थे। कहां कहां से पाकिस्तानी बैठे हुए ईद वाले दिन, हमने इसको बाकायदा पहले थोड़ा बहुत प्रमोट किया, सब जगह भेजा। मुझे खुद इतना अच्छा लगा कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि को कहीं बैठा है, को कहीं बैठा है, को कहीं बैठा है। इसी तरह मैंने अपनी एक बर्थडे की डिजिटली, आई वाज सिटिंग इन माय दुबई ऑफिस, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, बाकी सारे वो कनाडा वाले भी, अमेरिका वाले भी, यूरोप वाले भी, दोस्त हमारे सारे, जो जो डिजिटल वर्ल्ड में मुझे जानता था, सब ने लिंक लिया और आ गए। सो मतलब एक एक किस्म का एक एक्टिविटी ऐसी बनी कि जिससे लोगों को, जिस तरह ये हमारा मैंने एक शुरू किया जी डिजिटल खुली कचहरी। उसके अंदर क्या था कि कोई भी बंदा उठकर आया, अच्छा साथ मैंने किसको बिठाया, एक मिनिस्टर, एक सेनेटर, ओपन, कोई भी आए आकर उनसे सवाल करे, उनको जवाब दे, उनके साथ हो, सामने हो। शुरू में तो बड़ा वो हो रहे थे, बाद में सब उसके अंदर रहे। एक हमने ग्लोबल पाकिस्तान, तो सॉरी डिजिटल पाकिस्तान ग्लोबल वुमेन समिट कराया, ग्लोबल वुमेन, ताकि जो डेवलप्ड वर्ल्ड की वुमेन हैं वो भी आए और यहाँ के भी आए बच्चियां बच्चे, और वो आप बच्चियां आए और आकर बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है। इस तरह की काफी सारी चीजें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब। और फिर मैंने जैसे आपसे कहा, मेरा मकसद था, एक हम करा रहे थे जी जिसमें हमने रोड शोज किए, कोई मेरे ख्याल में 30-35 के करीब, डिजिटल पाकिस्तान टेक्नो समिट। जितने टेक्नोलॉजी के लोग हैं, कंपनीज हैं, उनको हमने ऑनबोर्ड किया, उसके रोड शोज किए रीजन वाइज छोटी छोटी जगहों में, और ऐसी ऐसी चीजें सामने आई। और बाद में हमने उनको निकाल कर जो मिनिस्टर को भेजने वाली थी मिनिस्टर को भेज दी, जो प्राइम मिनिस्टर को भेजने वाली थी प्राइम मिनिस्टर को भेज दी, कि जी यही है, सजेशन आई है। बहुत से मामला उनके हल भी हो गए, इंडिविजुअल्स के भी और ओवरऑल जो हमारे कंपनीज थे उनके भी। इस तरह करके आज तक जो ये हम इंडिविजुअली कर सके करते रहे हैं जी, आगे भी जैसे आपने कहा कि ये जो आपने कहा ना ऊपर वाले, आई डोंट बिलीव इन दिस, ऊपर वाला एक ही है, मैं मानता हूं जी उससे, मैं गुजारिश हिंदी कांटेस्ट के वसीला जी से, वो वसीले भी हम आपस में एक दूसरे के हैं। अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि मैंने इंसान को इंसान का वसीला पैदा किया, तो वो जब वक्त आएगा उसकी तरफ से मंजूरी होगी। ये आज अल्लाह की मर्जी से हम यहाँ बैठे हुए, यकीन कीजिएगा, ना मैं इतना अच्छा हूं कि मैं सबको इस तरह बुला सकूं, ये अल्लाह की मेहरबानी है और आप लोगों की मेहरबानी है कि आप तशरीफ लाए। रीजन बीइंग हम सब के अंदर एक अंदर से ये मोटिव है कि आप कुछ कर लें। मैं ओपनली कहता हूं जी कि जब मैं गया चाइना, तो वहां पर एक सिटी है उशी, वो कुछ 6,000-7,000 साल पुरानी उसकी हिस्ट्री, चाइना के पुराने चिंग डायनेस्टी से भी पहले की उसकी हिस्ट्री है। तो मैं गया तो वहाँ पहाड़ों पर कोई लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने उसे कहा ये क्या लिखा हुआ, उसने कहा ये वो वाली चाइनीज है जो मेरे से भी पहले थी, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया है, मुख्तलिफ चीजें उसके ऊपर लिखी हुई थी पत्थर पर, है ना। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि किताबें लिखी जाने लगी, आज मेरे ख्याल में कई 100 साल पुरानी किताबें अवेलेबल हैं जो लिखने वाले लिख के गए। मेरे दोस्त मुझे कहते थे तुम ये क्या पागलपन करते हो, अपना टाइम जाया करते हो, फैक्ट्री में जाओ, अपने कारोबार को बढ़ाओ, या जो है ना सियासत करो, अच्छी कर सकते हो, बन जाओ मिनिस्टर किसी और, ऐसा नहीं। माय विश इज क्लियरली आई यूज्ड टू से दिस थिंग कि कल जब मेरे ग्रैंड ग्रैंड किड्स आए, उस वक्त में जो टेक्नोलॉजी होगी उसमें मेरा नाम नजर आए। देखिए अभी मैं फिर मिस कर गया, सॉरी, लिखना भी चाह रहा था। सर आपके पास वो क्या आता है, ये जो आईपीओ का एक और कॉन्सेप्ट और पेटेंट्स, हाँ ये याद रखना भाई, हमने पेटेंट्स की तरफ अब देखना है, उसका प्रोसीजर मैं आपसे समझूंगा कि ये आइडिया पेमेंट पेटेंट होता है। आइडिया तो नहीं, लेकिन आपने समथिंग कोई टेंजिबल, यानी कोई प्रोसेस बना लिया है, कोई कोई तो कॉपीराइट तो आपका खुद हो गया, ये तो आपका एक किस्म का, ये भी कॉपीराइट है।
इसी के अंदर आप इनोवेशन लेके आते हैं और आप बताते हैं की इस तरह की पहले कोई डिजाइनिंग मौजूद नहीं है और उसकी एप्लीकेशन भी है मतलब ये लोगो जो ये तो ट्रेडमार्क आपने कराया होगा या 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 ये ट्रेडमार्क इज अ टाइप ऑफ एन आईपी पेटेंट इज अनदर टाइप एंड अदर कॉपीराइट इज अनदर टाइप ऑफ अच्छा 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 मतलब क्योंकि मैंने मैंने जब मशवरा किया था ना अपने उनसे मुख्तलिफ टीम से और मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने कहा सर हमारा ये यही इसी में ही ये बनेगा बिकॉज अब उन्होंने कहा कि जब आपने ये वर्ड बना लिया एक तो गूगल है गूगल में जब आप कोई चीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिक अब आगे ब्लॉकचेन आएगा ब्लॉकचेन इसीलिए आ रहा है कि जो पहले आ गया उसका पहला राइट है जो बाद में आएगा उसका बाद में कहलाएगा अब हमारा ये था मैं ये कहता हूँ जी ओपनली कि अगर ये डिजिटल सेनेटर है अब मैंने इसको अगर लोगो रजिस्टर्ड करा लिया तो अब कोई और एज डिजिटल सेनेटर वन वर्ड यूज नहीं कर सकता दिस इज ट्रेडमार्क आप इसके ऊपर टीएम भी लिख सकते हैं ये है टीएम भी ये नंबर भी है बकायदा इसका वो और इसके दो हुए एक इंटरनेशनल हुआ एक यहाँ का हुआ दोनों फीसें हमने जमा करवाई वो दोनों हो गए अब क्या ये मेरा डिजिटल सेनेटर पेटेंट हो सकता है नहीं वो तब हो सकता है पेटेंट कि आप इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज के जो कि जिसकी कोई एग्जिस्टेंस क्रिएट करें फॉर एग्जांपल उसको उसको डिफाइन किया जा सके ठीक है उसको वो अब ये डिजिटल सेनेटर फॉर एग्जांपल आपका जो वो प्रोग्राम है उसके भी आप कॉपी राइट ले सकते हैं पेटेंट नहीं अप्लाई कर सकते अनटिल अनलेस के इसके अंदर आप एक कोई एक ऐसा थॉट प्रोसेस करके कोई ऐसी चीज टेंजिबल इसमें जब तक ना आए टेक्नोलॉजिकल आईडिया टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग को इसकी ऐसी अगर आ जाए जैसे अगर जैसे हॉलोलेंस उसका प्रोसेस भी हो सकता है एक मिनट सुनिए अब चलें और ये माशाल्लाह ये मेरी पर्सनल आप लोगों के मशवरा होगा मेरे लिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल प्लैनेट ठीक है जी उसको भी हमने ये आईपीओ करा दिया ठीक है जी आज तक आपने नहीं सुना प्लैनेट्स के नाम सुने हैं डिजिटल प्लैनेट का नहीं सुना ठीक है जी मैं उसको ये कहता हूं कि हमने एक डिजिटल प्लैनेट बनाना है उस प्लैनेट के ऊपर लोग डिजिटली वहां पहुंचेंगे AR VR के थ्रू जो आपने टेक्नोलॉजी से कहा AR VR के थ्रू अभी यहां मेटावर्स की बात हुई मेटावर्स के थ्रू वहां पहुंचेंगे और उसके बाद उस प्लैनेट को यूज किया जाएगा और उस प्लैनेट के अंदर ये ऐसे ऐसी चीजें होंगी तो फिर तो वो एक वर्चुअल प्रोडक्ट की शक्ल आ गई ना क्या फिर वो पेटेंट हो सकेगा पाकिस्तान में अभी तक वो उसको नहीं करते पेटेंट क्योंकि वो मैं करा दूंगा लेकिन आईपीओ नहीं करता लेकिन आप यूएस पीटीओ वगैरह से देख सकते हैं यहां वाला भी करेगा और डॉक्टर साहब आपको सही बता रहे हैं सर मल्टीपल पेटेंट्स हो सकते हैं मल्टीपल मतलब उस जिस एआर मिरर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एंड यूजर्स वहां पे जाएंगे हर टेक्नोलॉजी पे एक पेटेंट हो सकता है ठीक है मिसाल के तौर पे ये एक अगर किसी का एक फोन है किसी ब्रांड का अब इसके बेवल्स कैसे हैं मुझे आप ये मशवरा दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि हमने एक ये मैं सोच रहा हूँ मैं नहीं करूँगा मेरे बच्चे करेंगे आगे हमारे कोई दोस्त होंगे कोई भाई होंगे कोई लोग होंगे ये अब टेक्नोलॉजी के सारे लोग हमारा एक बोर्ड बनेगा कोई तो सोचेगा मेरा विजन ये कहता है कि आने वाले 10-15 साल में हो सकता है शायद इससे भी पहले हो आप लोग भी चूंकि टेक्नोलॉजी के लोग समझते हैं हम सब वहां पहुंच जाएंगे कि जहां पर हम यहां पर वो लगा कर क्या नाम है जी उसका बच्चा बता हॉलोलेंस गॉगल्स हैं वो एक दो कुछ और वीआर गॉगल्स कह लीजिए चले टेक्निकल लेकिन कोई किसी ने बनाया एक्समैक्स कोई इस तरह की एक बनी है जो इस वक्त मार्केट में भी है वो लगाकर दो जगह पर और हम किसी तीसरी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं अगर वो लगाकर हॉलो उसमें यहाँ पर कोई साहब अब नजर आएंगे और हमें भी वो स्क्रीन पर नजर आएंगे दैट इज ये तो अभी तक हो रहा आ रहा है अगले दौर में आ जाएगा सो व्हाट आई फील इज कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा ये डिजिटल प्लैनेट है और इस प्लैनेट पर इसकी मैंने एक मेंबरशिप दी है फलां फलां बंदे को वो दुनिया के बड़े अपना जो भी सेलिब्रिटीज हैं चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड के हैं या वो ये टेक्नोलॉजी मास्टर्स हैं एवरीबडी वुड लव टू कि यार मैं एलन मस्क के साथ मिलूं तो सही
तो एलन मस्क को अगर मैं अपना मेंबर बना लेता हूं उस पर, और हम एलन मस्क का एक प्रोग्राम रखते हैं और सारे लोग कहते हैं, तो दे विल पे एंड दे विल गो देयर स्ट्रेट अवे थ्रू द टेक्नोलॉजी। इस तरह की चीज को हम कैसे पेटेंट कराएं? मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी शायद हो चुकी है, हो चुकी है पेटेंट, मतलब काफी वाइडली नोन आईडिया है, मूवीज भी बनी हुई है। हां हां, एक मूवी आई थिंक उसका नाम है रेडी प्लेयर वन। अच्छा जी, रेडी प्लेयर वन, ठीक है। वो बेसिकली इसी तरह का है कि गेम टाइप चीज है कि जिसमें आप एक पूरा दुनिया है जिसके अंदर जाएंगे और लोग लेकिन जो मैं डिजिटल प्लेनेट कह रहा हूँ वो तो मेरा है। डिजिटल प्लेनेट को आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं, उसी का वो तो हो गया नाम को आपने, इस हद तक तो हो गया, ठीक है, इस हद तक तो हो गया। अब इसको इंटरनेशनल कराना है वो भी हम पता कर सकते हैं कैसे होगा। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, एक इसमें मैं आपको एक और चीज बताइए, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम आईटी से ना बहुत सारी चीजें रोक लेते हैं, ठीक है। एक है कि जी आप इसको ओपन रखें, ठीक है, ओपन, यानी अब दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो इजीली कमर्शलाइजेबल तब होती हैं जब वो ओपन है, जी ओपन आईपी, उसके ऊपर लोग आ जाते हैं तो ओपन आईपी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें अगर आपका पेटेंट है तो कमर्शलाइज होने में उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। बट एज अ ओपन आईपी रख के आप उसको लोग जो लोग मेटावर्स पे काम कर रहे हैं वो तो किसी वक्त भी आपके इस आइडिया को करके दे सकते हैं, और जो गूगल्स बनाने वाले हैं वो दूसरे लोग हैं, उनका तो एक प्रोडक्ट है, जैसे हम ये फोन यूज कर रहे हैं मुख्तलिफ पर्पस के लिए, इसी तरह वो यूज किया जाएगा। अगर आपके साथ रिसर्च टीम हो तो हमारे साथ 5G और 6G में एक रिसर्च गैप है जिसको हम कहते हैं सेंस एंड टच, जो चूंकि 6G की तरफ हम जा रहे हैं तो दिस इज मोर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज, हां AR VR के थ्रू ही चलेंगे, तो उसमें जो ओपन रिसर्च एरिया है आजकल वो है सेंस एंड टच, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं कि मैं किधर बैठा हूं, मैं अमेरिका को एक बंदे को टच कर सकता हूं। हां जी, तो अगर आपके साथ और जब वो मुझे मुक्का मारे तो मुझे लगे कि हां मुक्का मारा है, बस ऐसी हवा चल जाए। या एग्जैक्टली, नहीं वो तो कह रहे हैं इवन उसके लिए, तो मैंने जो पढ़ा है कि जो आपके वो अभी जो गैजेट जो भी नाम दे रहे हैं यहां से, तो ये जगह आपकी इतनी सेंसिटिव है वहां से एक करंट का फ्लो आएगा जो आपको वो वाला एहसास देगा, फील होगा, जी फील होगा, इसीलिए इसको आजकल नाम देते हैं सेंस एंड टच, जो कि अभी हां उस पे भी दुनिया काम कर रही है, क्योंकि 5G तो मोर दे आर मोर रिलेटेड टू डेटा रेट्स, स्पीड वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बहुत ज्यादा से एस्पेक्ट्स है कि अभी तक उसको कवर नहीं किया हुआ है, क्योंकि तो उस पे क्योंकि अगर वो तो उससे अपलोड जो अपलैंड, सॉरी, आपने देयर इज अ गेम विद द नेम ऑफ अपलैंड, वो यही है कि जिसमें आप दुनिया की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स वर्चुअली उनको खरीद लेते हैं। मैंने भी उसमें लिया हुआ है वो न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट, हाँ मैंने वो मेरे नाम से है उसको लिया, पैसे थोड़े से देने पड़े थे तो दे दिए, हमने ले लिया, तो आज तो आप हंस रहे हैं, कल जब वर्चुअली उस पे एयरपोर्ट पे कोई लैंड करेगा तो देन आई विल बी द ओनर ऑफ दैट। देखिए ये एक पता नहीं है, आप डॉक्टर साहब इस पर कुछ बताएंगे, ये पॉसिबल और नॉट, कल जब पॉसिबल, हां इसकी जो रियल एस्टेट आपने लिया है ना सर जी, ये एक टाइप ऑफ मेटावर्स में लिया है। अपलैंड इज अपना क्या कहते हैं उसका पूरा रियल एस्टेट का एक उसने बनाया, बकायदा प्लॉट बेच रहा है और बड़े बड़े पैसे उसमें लोग दे रहे हैं, और वो सब लोग कह रहे हैं कि जी अच्छा, इसने मैं पढ़ रहा था उस दिन के मैंने जो हॉलीवुड स्टार्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की वो बनाई हैं कि ये बंगला जो है ये फलाने हॉलीवुड के स्टार का होगा, ये उसका होगा, इसी तरह जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ गेम्स के उनके लिए मैंने पूरा अलहदा वो बनाया है। तो देन आई गॉट द आइडिया कि ठीक है यार तू यहाँ बना, हम इसको स्पेस टेक का कह के हम अपने प्लैनेट पे बनाते हैं, तो वहां पर देखे ना मैं अपनी बात नहीं। अच्छा एक और चीज सुनिएगा, बीइंग मैं चूंकि जी बचपन से वो शेख चिल्ली रहा हूँ, अलहमदुल्ला बिल्कुल मैंने वो पढ़ी थी बचपन में, आपने भी शायद पढ़ी होगी, तो बिल्कुल मैं उसी पैटर्न पर चलता रहा हूँ। और अल्लाह ने जब मैंने ये होटल खरीदा तो लोगों ने बड़ा मजाक किया यार अच्छा पै, और हैरान भी हुए इसके बाद इतने पैसे आ गए कि 98 में मैंने खरीदा था और कमाई करके, अल्लाह का शुक्र है। मैं आज भी कहता हूँ हकीकत में कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड में पैसा आ रहा है ये इट्स नॉट अ हार्ड अर्न मनी,
इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड टू एनीबडी। 29 साल का बच्चा जो है, हम तो बच्चा ही छोटा लड़का कहिए, अगर वो बिलियन डॉलर मल्टी बिलियन डॉलर बन जाता है तो वो आईटी में ही बन सकता है, किसी और, वो डिजिटल वर्ल्ड में ही बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कहीं और बन सके, फिजिकल वर्ल्ड में ठीक है टाइम लगेगा। अब जब उसने पैसे कमा लिए और उस जैसे लाखों बच्चों ने पैसे कमा लिए तो उनकी एंटरटेनमेंट भी डिफरेंट होगी, उनकी प्रेस्टीज भी डिफरेंट होगी। हम गाड़ियां खरीदने में करोला गाड़ी समझते थे जी, सेवाबी जी ने 77 में पहली मरतबा ली थी, तो क्योंकि ये पता नहीं ये दुनिया की अजीम तरीन और बड़ी चीज़ है। आज बच्चे जो हैं वो लंबरगिनी की बात करते हैं और पता नहीं और कौन कौन से की बात करते हैं, उनकी एक अपनी। इसी तरह वो जो होंगे वो यही कहेंगे कि जी मुझे चाहिए। अब उस गेम में वाकई मैंने पढ़ा है सारा, तभी मैं तो ऐसे ही था, मैंने यार क्या है जो कर लो, अल्लाह ने किया कर लिया। करने के बाद मेरा बेटा उसमें जाए, बाबा यार ये तो इतने पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा बेटा बेचना नहीं, क्या हम दे देते हैं ना, ओ मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है हमने खरीदा क्या है। हमने खरीदा ये कि लोग अपने जहाजों पे आएंगे उस गेम में, लैंड तो करना है ना, उसके प्रॉपर्टी राइट मेरे पास हैं, तो जो लैंडिंग लेगा वो पैसे देगा हमें। और हकीकत में जो बच्चों ने जिन्होंने आज से 5 साल पहले ये सोचा, 8-10 साल पहले, आपने नाम सुना होगा ये रेहान अल्लाह वाला का, जरूर सबने। रेहान अल्लाह वाला बताता है जी कि मैं 2010 की बात है शायद या 11 की बात, 10 की बात है, जापान गया किसी कॉन्फ्रेंस पे, इसी तरह की कॉन्फ्रेंस, तो कहता है वहाँ मुझे एक लड़की मिली, तो उसने कहा डू यू नो अबाउट दिस बिटकॉइन, नो आई डोंट नो, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, यू डोंट नो अबाउट द बिटकॉइन, नो आई डोंट नो, ओके आई विल गिव यू 3 बिटकॉइन इफ यू ऑफर मी अ कॉफी। उसने कहा मैंने सोचा यार चलो मैंने खुद भी कॉफ़ी पीनी है, इसको भी पिला दूंगा, कप्पे भी लगाऊंगा ऐसा बैठ के, पता नहीं कॉइन श्वाइन क्या है। उसने 3 बिटकॉइन ले लिए। उस वक़्त में ये शायद डॉलर के 100 ही बिटकॉइन होंगे, जैसे आज इस गेम में अपलैंड में कहा जा रहा है कि जी आप अगर 50,000 वो उनका जो यूनिट उन्होंने रखा हुआ वो है जी $50 है, $50 के 50 तो $500 के नहीं सॉरी $5 के 50 $5 के 5 लाख, तो वो 5 लाख में प्रॉपर्टी मिल रही थी वहाँ पर, तो नॉट हुआ है। इसी तरह उसने वो 3 बिटकॉइन ले लिए, कहते हैं जी ये $1200 में जब गया तो मैंने 3 बेच दी, यार बहुत है मुझे $3600 आ रहे हैं। और जब ये 60,000 डॉलर पे गया फिर मुझे याद आया गया मैंने क्यों बेच दी। सो दीज आर द थिंग्स, ये जिस तरह अभी आपने कहा वाकई में उस दैट इज गोइंग टू बी अनदर मेटा वर्ल्ड, ये मेटा वर्ल्ड्स क्रिएट हो रही है ना। ये आपने बड़ी अच्छी बात की आज मुझे क्लियर हुआ वाकई में कि दीज आर डिफरेंट स्ट्रीम्स, कोई आप अब ये ऐसे कह रहे थे तो एक स्ट्रीम में अगर वो एक है तो ठीक है, हो सकता है उसी तरह की एक दूसरी स्ट्रीम बन जाए अनदर नेम कोई और कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसमें नहीं होगा इसमें होगा। तो अल्टीमेटली ये इस पर कोई काम कहीं पर हो रहा है, मतलब ये टेक्नोलॉजी गेमिंग में तो लोग बहुत यूज करते हैं, वो तो पूरे पूरे सूट्स बने हुए हैं, वो क्या प्लान है आपको? मैं चाहता हूँ उस गेमिंग को हम अपने इस चक्कर में ले आए किसी तरह, मतलब ये तो आइडिया तो है कि इस तरह की चीज़ बननी चाहिए, और एक आदि जो एटलीस्ट उस मूवी में जो गेम बनी हुई है इस तरह की, ये वाली जो आपने नाम लिया, हाँ मूवी के अंदर वो पूरा बहुत एलैबोरेट कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं रेडी प्लेयर वन, रेडी प्लेयर वन जो उस गेम में तो याद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखें भी आगे वो गेम एक्चुअली भी लोगों ने बनाई भी हुई है, वो घर उतनी तो डेवलप नहीं है अभी, लेकिन आइडिया हुआ है जिसको काम कर मेरे पैसे, लेकिन इन जनरल अभी टाइम मेरा पूरा होने वाला है, मेरे दिमाग में जिन्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसपे बताइए दो तीन मेरी बताइए उस पर, और मतलब ये सजेशन हुई है सारी की जो कि गवर्नमेंट लेवल से ही आ सकती है जी प्लीज, जैसे बाकी है ना कि सोशल मीडिया स्टार बनाना वो तो ज़्यादा ग्राउंड अप से बनानी है, ये वो चीज़ें जो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लेवल, और मतलब ये मेरा जो यूएस का एक्सपीरियंस था 5 साल का और 2000 चाइना का और ये था उसकी वजह से, इस वक्त दुनिया में कोई भी मतलब रिसर्च की फील्ड नहीं है साइंटिफिक, और किसी भी तरह का काम आप कर रहे हो, आपको कंप्यूटर साइंसेज की और आईटी की पढ़ती है जी, हर तरह की रिसर्च, हमारे अंदर प्रॉब्लम मेनली ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल में अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है उसमें उस लेवल तक और उससे पहले कॉलेज लेवल की एजुकेशन में कोई बच्चों को जो बेसिक कंप्यूटिंग स्किल होती है वो नहीं करवाते, अब अक्सर जो यानी आप अगर काउंट करके देखें तो वैसे ही एजुकेशन का लेवल काफ़ी खराब है हमारा,
जो लोग ग्रेजुएट करके आते नहीं हैं, कॉलेज पास करके नहीं आएंगे, उनको कंप्यूटर की बेसिक पर क्यों ज़्यादा पता। तो एक तो चीज़ मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो रियल इम्प्रूवमेंट कर सकती है इसी में कि आप फोर्स करें एजुकेशन पॉलिसी में कि गोल ये नहीं होता ना कि आउटकम बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम बनाएं कि जिसमें ये हो कि अगर एक बच्चा मैट्रिक पास करके आया है तो उसको कंप्यूटर की ये स्किल्स आनी चाहिए, अगर उसने एफएससी कर लिया तो उसको बेसिक वेब डेवलपमेंट और बेसिक प्रोग्रामिंग का पता हो कि ये कैसे और वो प्रोजेक्ट बेस्ड, यानी उसको ये पता हो कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने कैलकुलेट करना है कि मैंने एक बेसिक कैलकुलेटर अगर प्रोग्राम करना है वो प्रोग्राम होता कैसे। हाँ ठीक ठीक, एक तो ये चीज़ है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा इसमें। दूसरा चीज़ जो गवर्नमेंट लेवल पर जो इनिशिएटिव आ सकता है वो एग्जैक्टली डिजिटल पाकिस्तान की वो ये है कि ये चीज़ जैसे अगर आप चाइना में देखें वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर जो सारे के डिपार्टमेंट्स की इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है और डिपार्टमेंट के अंदर विद इन जो कम्युनिकेशन होती है सारी वो डिजिटली होती है, उनकी एक एप्लीकेशन है जिस तरह से ये व्हाट्सएप हमारे पास व्हाट्सएप अगर हमारी तो नहीं है लेकिन व्हाट्सएप की तरह की उनकी ऐप होती है, वो गवर्नमेंट के सब एम्प्लॉइज उसको यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियसली वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर फर्स्ट करें कि एक ऑफिसर ने अपने सबॉर्डिनेट को कोई ऑर्डर दिया है वो जरूरी नहीं कि वो लेटर पेज पे लेके जाएगा बंदा और वो उसको दे देगा, वो सिंपल उसको उसी के ऊपर मैसेज आएगा। इसके ऊपर NIDB का इनिशिएटिव काफी अर्से से आ चुका हुआ है, हम 3 साल पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं किसी में ये IT की कमेटी थी। NITB कहती है कि हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट्स को कहते हैं कि यार खुदा के लिए आप ये सिस्टम ले लो, पैकेज ले लो, कोई सॉफ्टवेयर ले लो, हमारे पास बने हुए हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के लेने लेती हूँ उसमें प्रॉब्लम उसके लिए ये पॉलिसी एफर्ट करनी पड़ती है। हमने जो मेरे पास नेशनल सेंटर्स का रिकॉर्ड था पिछले 28 साल का रिकॉर्ड उसको आप इमेजिन करें हमने कितने SMS स्कैन किया होगा, ठीक है। आई हैव 4 पीपल कासिम बहुत वेरी वेल, ठीक है। उन 4 लोगों ने कोई कोविड के दिनों में HEC आके, ठीक है, हमारे पास एक मल्टी ऑप्शन स्कैनर था, ठीक है, 28 साल का रिकॉर्ड हमने कोई 3.5 मंथ्स में सारा स्कैन किया और जिस तरह प्रॉपर फाइल्स थी उसी तरह प्रॉपर फाइल्स कन्वर्ट करके हम ये ऑफिस भेज रहे हैं। NITB के साथ इस वक्त 3 से 4 इदारे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, GPR, HEC और एक और मिनिस्ट्री ने अभी लिया है इनिशियली और हमसे PIDE ने मांगा था, PIDE जो है ना यहाँ पे PIDE ने मांगा था लेकिन जब वो उस पूरे सूट के अंदर आए तो वो उनको ऐसा लगा कि हमें ट्रेनिंग करवाने में और सारी चीज़ें करने में बहुत मसला होगा। NITB के साथ HEC ने ये किया कि हमने जो उनका इनिशियल था वो वेब बेस्ड था उसको एप्लीकेशन बेस्ड बनवाने में फिर हमने उनकी मदद की और वो एप्लीकेशन बेस्ड अब आ गया, हमने लॉन्च भी कर दिया। तो हमारे जो इंटरनल प्रोसेसिंग है अब उससे वेरी क्विक, अब मतलब मैं यहाँ पर मोबाइल पर बैठा हूँ, आई कैन एक्सेस माई फाइल्स। नहीं दिस बहुत मुश्किल, लेकिन इसकी मतलब मेरा जो था कि ये तो मुझे नहीं पता था कैसे किया, लेकिन बेसिक बात वो ये कि गवर्नमेंट को इसको थ्रूआउट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हर जगह पर उसके लिए लगता है। एक तो HEC के पास थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्लाउड भी था, IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है, हम सारी यूनिवर्सिटी चाहिए। ये आर्मी का भी अगर वो भी चलाता है, HIT भी चलाते हैं, असल में उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास रिसोर्स है। और फिर एक और चीज़ है कि वो जब एक बात कह देते हैं तो फिर उनके लोगों को करना भी पड़ता है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो के मतलब बहुत सारे ऑफिसर जो कि नोट को नहीं लिखते थे, यानी नोट हमेशा नीचे से कोई असिस्टेंट स्कैन हो या कोई लिख के देता है, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस दे देते थे। लेकिन अब हर किसी को अपना नोट खुद लिखना पड़ रहा है अपनी ईमेल में, अपनी इंस्ट्रक्शन में, अच्छा जो वो बना हुआ है। और उसमें अब एक चीज ये भी है कि उसमें क्यू सिस्टम भी है, अब मुझे कोई फाइल आई है तो उसके साथ मुझे एक मैसेज भी आया है कि जी ईमेल भी आई है कि 24 घंटे के अंदर फाइल मैंने वापस जी ये मेरी शीट है जिसको अब नेक्स्ट में और ट्रैकेबल भी है, विजिबल भी है और ट्रैकेबल होना चाहिए। सब ये सिंपली अगर हम प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंसेस वाले जो पोर्टल APCG उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना तो सारी नोटिस को दे दे, वो भी आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम उस पे जबरदस्त हो जाए। हर बंदे का अपना प्रोफाइल है, बस वो आपको विद इन सेकंड्स आपको कंप्लेंट भी आएगी, फाइल भी आएगी, मूव भी हो जाता है। उसमें ऐसा अभी बहुत सारे इश्यूज थे, अभी उसमें ना कुछ माइनर हमने लिस्ट किए हुए हैं जो जो इदारे हम कर रहे हैं उसमें उनका जो आगे रेजोल्यूशन टाइम है ना
उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और जो उनकी डेवलपिंग टीम है ठीक है उसमें, अब फॉर एग्जांपल हमारा आप जो जो हमने पिछले दो तीन सालों से आरजीएमएस का पोर्टल है उसमें अभी भी मैं आपको बताऊँ कि सिस्टम लिमिटेड जो बना रही है मेरी बैकएंड के उनके साथ यूं समझें कि हमारी ना डेली बेसिस पे इतनी लड़ाई हो रही होती है कि कभी किसी प्रपोजल का डेटा आगे पीछे हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी कमेंट्स हो जाते हैं या कभी कुछ, लेकिन फिर भी वो इतना इतना एनफ स्ट्रांग था कि इस वक्त तो उसके कई नोड्स हैं, मतलब एक तरफ से हमारे पास है, फिर पैनल चेयर्स पैनल एवेल्यूएटर सबके पास जाता है, लेकिन अभी तक उससे अलहमदिल्ला कोई इन्फॉर्मेशन इधर उधर नहीं है ठीक है। इवन वी हैव मल्टीपल अटैक्स ऑन दैट सिस्टम फ्रॉम अब्रॉड ठीक है, एनसीसीएस को हमने उस पर लगाया हुआ था, तो ये कंटिन्यूसली हमारे सिस्टम को क्रॉल करते रहते हैं कि जी उसमें कहाँ कहाँ लीकेजेस हैं, लूप होल्स हैं, तो वो इनको हमने दिया हुआ था कि वो उसको इम्प्रूव करते हैं, करने में हमारी मदद करें, हमें आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ यहाँ से एक्सेस हो रही है ये चीज़। इसी तरह से जो हमारा डिग्री अटेस्टेशन का सिस्टम है अभी काफ़ी, हम कंक्लूड करते हैं ना वे कि हमने जो तीन चार चीज़ें इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में करनी है, तो आप सब क्या समझते हैं व्हाट शुड बी द फर्स्ट आज के इस कंक्लूजन से हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। कीपिंग इन माइंड टू थिंग्स, वन इज के हमने जो पार्लियामेंट है जो लेजिस्लेशन का पोर्शन है उसको एक साइड पर रखना है, और दूसरी तरफ जो हमारे यूथ एम्पावरमेंट है यूथ डेवलपमेंट है उसको हमने साथ लेकर इन दो चीजों के लिए हम कलेक्टिवली कुछ स्टेप्स बना लेते हैं। मुझे एक चीज क्लियर कीजिएगा, बताइए हमें क्या आया इसके लिए, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की चीज होती है ना तो उसमें सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जी ये पॉलिसी या ये जो चीज है मेरी जिम्मेदारी होगी एज अ एग्जीक्यूशन। देखिए वो अभी हम वहां तक पहुंचे तो सही ना जी, देखिए जिस तरह मैं कहता हूँ कि कुछ भी कहें हमारे पास एक डिजिटल पाकिस्तान की पॉलिसी है, वी फील्स के इसके अंदर कुछ सुकम थे कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो हम उनको रिकमेंड करेंगे कि जनाब आपने ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स छोड़े थे जिसकी वजह से ये नहीं कर पाया, अब इसको अगर इस तरह अमेंड कर दिया जाए, दैट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट ठीक है। कि ये ऑलरेडी एक पॉलिसी आ रही है अंडर द पॉलिसी ऑफ आईटी, गवर्नमेंट ने एक आईटी पॉलिसी अनाउंस की उसी को अमेंड कर रहे हैं ना जी, आज तक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ऑलरेडी ये किया, उसी ने डिजिटल पाकिस्तान की पॉलिसी अनाउंस की, तो हमें उनको अब ये कहना है कि ये डिजिटल पॉलिसी डिजिटल पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये वर्केबल बनाने के लिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इन इन चीज़ों में चेंजेस लाएं या इनको देखें इसके ऊपर ना। फिर अगर ये डिजिटल पाकिस्तान की पॉलिसी या जो पहले आईटी पॉलिसी है 2000 वाली वो अगर अप्रूव्ड हैं उसको बेस रख के, तो पहले तो आप ये कि जो ये सारे काम हम जो करना चाह रहे हैं कि जी यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट्स के मसले हैं, इंटरनेशनल गेटवे नहीं है पेमेंट्स का, या बहुत सारी चीज डिजिटल मेन स्ट्रीमिंग है डिजिटाइजेशन, वो गवर्नमेंट कर रही है अपने तौर पर। हाँ, अपने तौर उनको, पे उनको हम फिलहाल नहीं छेड़ते। हाँ जी, मेरी जो बात है ना वो हमें एक सिर्फ उनको मैं चले इसको हम थोड़ा क्रूड लेवल पर बात करते हैं कि देखिए हम यहाँ बैठकर हर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बंदा है उसके मसाइल आसानी से देख सकते हैं फील कर सकते हैं। पहला तो हम कोशिश करें कि उन मसाइल को, चाहे वो स्टूडेंट्स के हैं, वो आईटी कंपनीज के हैं, वो हमारे जो बाहर लोग हैं उनके हैं, उनको हम किसी तरह से इकट्ठा करके आगे पहुंचाएं कि जनाब ये मसाइल हैं, इनका हमारी सजेशन में ये सलूशन है, इसको ऐसे किया जाए, हम ऑनबोर्ड कर लेंगे। देखिए मुझे अंदाजा है बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन कि किसी भी इदारे को ऑनबोर्ड करने के लिए जब आप कमेटी में लेकर जाते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी है, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो या वो सेनेट की हो, तो डेफिनेटली वहां से एक क्लाउड क्रिएट होता है और वो फिर हम आगे लेके जा सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो कि बहुत बड़ी नौइयत की है, इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन दी यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड है, तो हम उसके ऊपर एक
फेडरल रेजोल्यूशन ला सकते हैं, चाहे वो सेनेट से आए या वो नेशनल असेंबली से आए। उस रेजोल्यूशन की बुनियाद पर फिर ऑटोमेटिक जब वो रेजोल्यूशन वहां से पास होकर आएगा तो HEC भी उस पर ऑनबोर्ड होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी ऑनबोर्ड होगी, और फिर यहां तक कि जी आपने हाउस को विद इन 3 मंथ्स ये बताना है। अगर हम कोई ऐसी चीज निकाल कर लाते हैं कि हमारी यूथ स्टेगनेंट हो गई है, बढ़ नहीं पा रही है, हमारी IT के तमाम लोग जो हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है इस रीजन की वजह से, तो हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम कोई एक आध स्टेप, एक तो मेरी गुजारिश ये है कि हम किसी तरह भी इसको एक हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक वर्चुअल मीटिंग जरूर करें। नहीं वो तो रेगुलरली आपको करनी पड़ेंगी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट डेवलप करना। जी जी डॉक्यूमेंट जो आपने बात की थी। हाँ जी जितने अच्छी थी उसी को रिपीट कीजिए। इसके ऊपर मैं आपको यही अभी कहने जा रहा था कि आप एक फ्रेमवर्क बनाने जाएं। जी फ्रेमवर्क में पहले आप एनलिस्ट करें सारे, एक आउटलाइन किसी से बनवाएं, समवन जो IT के जिस तरह डॉक्टर साहिबान हैं हमारे पास ये ज्यादा जानते हैं उसको हम प्रिसाइज करते हैं। देखिए जिस तरह अभी बात हुई, अगर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में एक फेसबुक से रिलेटेड कोई चीज है तो जो साहब फेसबुक को समझते हैं हम उनसे उनका डॉक्यूमेंट बनवाएं, एक ब्लॉकचेन से रिलेटेड है तो आप ब्लॉकचेन को समझते हैं वो हम आपको प्लस आपकी यूनिवर्सिटी को वो टैगिंग देते हैं। जी बताइए डिजिटलाइजेशन की जब बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान की तो उसमें स्टार्ट तो हो सकता है लेकिन उसका कोई एंड कोई नहीं है। जी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एग्जैक्टली इसका पहले पहले हम अपना उसका एक एरिया ऑफ फोकस डिफाइन कर लें। जी ठीक कि हम किस किस एरिया में काम करना है, हम किस में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। हेल्थ है उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो एंड सो। हां जो आप अभी काम कर रहे हैं वो एक चीज पे कर रहे हैं, आपने इसको अक्रॉस द बोर्ड जितनी अदर फील्ड्स हैं उनके साथ इसको अलाइन करवाना है। इट्स हेल्थ, एग्रीकल्चर, रेलवेज, दुनिया में ऐसा हुआ है। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात ये सब में इंप्लीमेंटेशन अगर उसकी नहीं हो सकती तो फिर उसका फायदा भी कोई नहीं। मैंने तो ये कहा कि स्टार्ट कैसे किया जाए, तो मुझे जो समझ में आया अभी तक वो ये है कि हमें किसी फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहिए और हमें ये देख लेना चाहिए कि जो फ्रेमवर्क बनेगा उसकी आउटलाइन बनेगी, उसके लिए जो हमारे मोहतरम भाई उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं और उनका ताल्लुक जिस भी इदारे से है उनके जिम्मे लगाकर उनसे हम एक प्रपोजल ले ले और फिर हमारा एक पहले जो प्रपोजल आएगी वो जो जीरो लेवल जिसको कहते हैं उसमें ये है डॉक्टर साहब कि एक समवन आज कोई रिस्पांसिबिलिटी ले ले कि एक अपने जो भी आज बातें डिस्कस हुई है एक आउटलाइन बना ले कि जी एक उसका एक मिनट किस प्रीएम्बल लेके जी वो मेरे को बनेगा वो मिनट तो आप करेंगे तो उसमें वो तो प्रीएम्बल लेके एक्सपेक्टिव समरी उसके बाद आप एक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स बना लें कि जी डिजिटल पाकिस्तान और उसमें जो आज यहाँ से विजन निकल रहा है कि उसका मकसद क्या है और उसमें उसको करना कैसे है वो आ जाए। उसके बाद आप सिर्फ बुलेट्स उसमें यानी हेडिंग्स लेके कि ये हेडिंग्स हैं। हाँ जी कि जी हमने फॉर एग्जांपल कि जी ब्लॉकचेन का यूज़ करना है या जो IT की डिफरेंट आपकी VR XR जो भी सारी चीज़ें हैं उनको कैसे हमने सारे सेक्टर्स के साथ उसको कैसे करना है और फिर सेक्टोरल मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर जनरल बात लिखें सर। वो IT को हेल्थ में या IT को एग्रीकल्चर में या उसमें वो जिसकी जैसे मर्जी आएगी उस फ्रेमवर्क से गाइडलाइन ले लेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है अगर आप लोग इस ग्रुप को चाहिए होगा तो मैं फॉर एग्जांपल एक किसी और पॉलिसी की या किसी और फ्रेमवर्क की मैं गाइडलाइन डालूंगा आप उसको देख के आप उसमें उसके पैरामीटर के मुताबिक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरी सजेशन है सर, देखिए मैं चाहता हूं कि हम स्टेप बाय स्टेप चले, एक एक सीढ़ी चले, कोई वो नहीं है। अब 2 दिन में एक सीढ़ी स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं आगे चले जाएंगे। आज के मुताबिक ये कि जितने हमारे यहाँ लोग हैं और जिनको हम अपने सर्कल में से और ऑनबोर्ड कर सकते हैं, आपने जैसे कहा मैडम ने भी कहा था कि जिसको हम आप मुख्तलिफ एक ब्रॉडर उसके ऊपर लेके चले ताकि किसी को भी ये ना हो कि ये नस्ट वाले कर रहे हैं, ये गाजम वाले कर रहे हैं, ये किसी किसी से करा नहीं, पर जो इसमें हिस्सा डाल सकता है आ जाए। हमारे वी आर ओपन आपके वो साथ एक दूसरी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रिया जी जी हम नाम बहुत मुश्किल है सो वो उनको मैं गया था वहाँ पर भी तो इस तरह और जो 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 कुछ हमारे हैं इस्लामाबाद में से फिर जब हम इसको वर्चुअल रखेंगे तो हमारे सारे आएंगे आगे चल के। डॉक्टर साहब हम आज इसके जो मिनट्स बनाते हैं यहाँ से फिर हम उसके ऊपर थोड़ी सी फर्दर एक नेक्स्ट वीक में
कोई दिन नहीं। अच्छा कौन सा दिन सूट करता है जी, उस दिन हम रखेंगे अब वर्चुअल, कोई जरूरत नहीं। हां जी वर्चुअली रखें, और बहुत लंबी भी ना हो, इट्स वन आवर और स्पेसिफिक किसी एक मकसद के तहत हर एक से जो है वो अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी है उसमें ले ले, बट समवन शुड प्ले रोल एज अ सेक्रेटरी टू दिस फोरम, के जी वो यानी उसको उसका लिंक भेजना ग्रुप के साथ, कांटेक्ट ईमेल आना। डॉक्टर सैफ लोग से हमारे बिना अच्छा काम करेंगे जी फायदा, तो चेक और उसको पक्का कर लेंगे और उसको ऑफिशियल। हां और वो ईमेल सब सबकी आज आपके पास आ गई है, ईमेल पे इसको शुरू कर दें, एक इनिशियल डॉक्यूमेंट आप इसमें डाल लें, उसमें मैं इनिशियली जो है जितना मैं उसमें समझ सकता हूं, क्योंकि हम ना आईटी स्पेशलिस्ट या उस तरह से नहीं, थोड़ा बहुत है उसमें, तो उसमें डालेंगे। और बाकी जो हमारे चार आईटी के सेंटर्स हैं इनके लोगों को हम ऑनबोर्ड कर लेंगे, वो 40-50 लोग हैं, दे आर डूइंग मार्वेलस जॉब। नहीं डेफिनेटली एनसीआर जो हम ग्रुप बना लेंगे, लेकिन जो मीटिंग करेंगे वो स्पेसिफिक कंसर्न स्पेसिफिक कंसर्न, जैसे हमने कहा ना कि ये रिस्पांसिबिलिटी इस ग्रुप को है, तो वो फिर वो बात करें, जो दूसरे जो है वो उसके बात करें। और फिर हम आज तो इंट्रोडक्शन सबका हो गया, मैं भी इतनी लंबी तकरीरों का ज्यादा शौक है वैसे, इतनी लंबी नहीं करूंगा माजरत के साथ, तो उस पर फिर ये होगा कि वो एक जगह पर बात होगी तो कोई ना कोई रिजल्ट निकाल देंगे। इसमें हमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी किसी वेरी सीनियर लेवल के किसी ऐसे बंदे को जिसकी राइटिंग प्लस इस फील्ड में थोड़ी सी स्किल्स मजीद बेहतर है। ठीक है ठीक है, इसमें मैं क्योंकि बता दें कोई अगर उसमें यानी मेरा ये भी था उमर यासर, बट इनसे ज़्यादा अच्छा बंदा मुझे जो लगता है वो डॉक्टर नवीद अशर है, लम्स वाला अगर वो मान गए तो। ठीक है, एन सी बी सी के पी डी हैं आप सेनेटर साहब उनसे खुद बात करें, इफ ही इज विलिंग टू के जी वो इस यानी सारे लोग लिखें, बट वो उसको देखें के जी इसको सुपरवाइज काइंड ऑफ, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी काविश है एनसीबीसी वाले सेंटर के अंदर जो उनकी डिजिटल रिपोजिटरी है। ठीक है, वो आप जरूर विजिट करें। अच्छा जरूर जरूर, एनसीबीसी की वेबसाइट आप एनसीबीसी की वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक है डिजिटल रिपोजिटरी के ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान का पूरा डेटा, आप सिर्फ उस उनका जो पाकिस्तान के सारे ग्रिड्स का जो डेटा है ना वो खाली देखें तो आप है ना गुड। ठीक है तो वो अगर आ जाते हैं ना तो मैं ये समझता हूँ कि ये बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, यासिर उमर काशिफ डॉक्टर काशिफ दे कैन कंट्रीब्यूट, बट दे ये अपनी रेलेवेंट फील्ड में करें, बट वो ओवरऑल हाउ टू मेक थिंग्स डिजिटाइज वो हमें ये करना पड़ेगा जी, कि पहले हम देख के जो रेलेवेंट फील्ड वाले लोग हैं उनसे, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी तभी हो सकेगी कि जब कोई प्रपोजल रेलेवेंट फील्ड का बंदा देता है, और इसको तो हम सेग्रीगेट हमें करना पड़ेगा 5-7 हिस्सों, और क्योंकि एक स्ट्रीम एक चीज, अभी जैसे आप बता रहे थे एक स्ट्रीम एक ग्रुप एक पर्सन, और जब डिस्कशन हो उसी स्ट्रीम के बारे में वो डिस्कस करें, वो आपस में मिलकर एक चीज निकालेंगे, वरना आइडिया देने में मैं उससे नहीं हूँ, मैं सबसे आगे होऊंगा, वो फिर बात इधर उधर चली। इट्स बेटर। ठीक है जनाब, काफी है ना, और कोई बात आप कोई करना चाहें कोई चीज भाई प्लीज। एक छोटी सी चीज़। जी 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 जरूर, पाकिस्तान में ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास हमारे सिटीजन का दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल रिसोर्स है जी, वो तो है नाजरा वाला, यस हमारा बिल्कुल नेशनल, या 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 नो डाउट। तो एक चीज जो हमेशा हमारे मार्ग के साथ उसको क्यों यूज करके हम अपने सिटीजन को बड़े आराम से फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो कहते हैं डिजिटलाइजेशन उसमें डाल सकते हैं, यानी आप उनके नादरा के डेटा बेस के ऊपर आईडी कार्ड के ऊपर उनको एक छोटा सा डिजिटल बैंक अकाउंट बना कर दे दें हर आदमी को, ताकि वो डिजिटली डिजिटल फाइनेंस के अंदर वो देखिए एक्चुअली राष्ट्र वही चीज़ है, राष्ट्र वही चीज़ है, राष्ट्र में हर आईडी कार्ड पे तो नहीं है ना फोन नंबर, नहीं लेकिन एक चीज़ और है सर, फोन नंबर जो है वो तो आपका आईडी कार्ड है, वो आईडी के बारे में नहीं, इस तरह नहीं, रास्ट है वो आपका ऑलरेडी किसी बैंक में अकाउंट होगा तो उसको आप रास्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं, वो उसके लिए तो आप अकाउंट तो पहले डेफिनेट, अब प्रॉब्लम और है ना जी, अभी इस वक्त तक हमारे पास डिजिटल बैंक अकाउंट नहीं है, डिजिटल बैंक नहीं है सॉरी, अब है गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ने बना दी, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं स्टॉप हो गया,
नहीं कोई भी नहीं, अभी उन्होंने डिजिटल बैंक कोई भी नहीं है, मुझे मैंने लाइसेंस नहीं दिया, मैं तो अपने के लिए था, हमने तो इसलिए बीच में मैं सारा समझता हूँ उसका। देखिए डिजिटल बैंक हम किसको कहते हैं, ये जो फिजिकल नहीं होगा कहीं कोई ब्रांच नहीं हो, यूके में ज्यादातर बात के वाले में सारे डिजिटल सर। रोशन तो नहीं थी वो, सुनिएगा क्या है वो किसी रोशन बैंक अकाउंट इज अ स्ट्रीम, आप जाते हैं अपना इसमें जमीन ये जो है UBL में, तो UBL में जाकर आप रोशन बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं UBL के थ्रू, बैंक UBL है, UBL की आगे स्ट्रीम जो है, अच्छा वो उन्होंने वन लिंक किया हुआ है, उस वन लिंक के थ्रू रोशन, ये बड़ा हम ये फिर वो आता है कि जो इस वक्त ये हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर बैठा हुआ है, ये उसने कराया था। और अभी जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि जो डिजिटल बैंक होगा वो सिर्फ डिजिटली मूव करेगा, उसका एक अपना हेड ऑफिस होगा, उसी को किसी उसकी ब्रांच में नहीं आना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और ये आपने जो कहा ये बिल्कुल, क्योंकि अब हर मोबाइल फोन जो है वो जिस बंदे के नाम पे है उसी की एक्टिविटी वहां से हो रही होती है, इसीलिए कहा गया था कि आप इतनी सिम्स रख सकते हैं उससे ज्यादा नहीं रख सकते। सो ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक किस्म बाहर खड़े होकर बनाए।